आज की हमारी जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ अमेजिंग साउथ इंडियन डिशेस, ढेरों कोल्ड ड्रिंक की वैरायटीज जैसे स्लशीज, हॉट एंड पाइपिंग डेजर्ट्स जैसे वॉफल्स, फ्रेशली ओवन बेक्ड पिज़्ज़ास, पास्ता की ऐसी ढेरों वैरायटीज जो आपने कभी ट्राई नहीं की होंगी, हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड का किंग वड़ा पाव, बहुत ही अमेजिंग काला खट्टा लिप स्मैकिंग चाइनीज भेल जो सब, और ढेरों ऐसी डिशेस जिन्हें खा के पेट तो बहुत ही भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। आज हम आए हैं थाने के बी ब्लॉक एरिया में जो शिवाजी पथ पर है, नौपाड़ा एरिया में। इन सारे शॉप्स की डायरेक्शन लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी हैं। स्वागत है आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे। मैं महेश्वरी आज आपको लेकर चलूंगी थाने स्ट्रीट फूड की ऐसी जर्नी पर जो 2023 थाने स्ट्रीट फूड का पूरा नक्शा ही बदल देगी। सबसे पहले हम चलेंगे संतोषम में। यहाँ पर साउथ इंडियन फूड की ढेरों वैरायटीज हैं जैसे वेन पोंगल, मेंदू वड़ा, अवियल, साठे इडली, बहुत सारे अमेजिंग ब्रेकफास्ट प्लेटर्स। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर किया राइस चित्रान्ना। दिखने में सारा खाना बहुत ही फ्रेश और हॉट लग रहा है। और यहाँ हमारा राइस चित्रन्नम आ चुका है। इसमें राइस की टू वैरायटीज हैं, पापड़ है, आई थिंक ही हैज गिवन मी सम कर्ड राइस। यहाँ पर मैंने रवा डोसा भी ऑर्डर किया है, सो ही इज मेकिंग इट फ्रेश फॉर मी। यहाँ पर हम कुछ वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे वो अपना सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं। द फिल्टर कॉफी लुक्स सो यम्मी। यहाँ के मेंदू वड़ास के लिए तो बिल्कुल लाइन लगी हुई है। डोसा वाला इज सो बिजी, उसके पास ऑर्डर के बाद ऑर्डर शुरू ही है। ये प्रोसेस देखने के में भी कितना मजा आता है। Here is putting on some gunpowder. He's using fresh ghee. Mm-hmm.
यहाँ पर मैंने शीरा भी ऑर्डर किया था, इट इज़ लुकिंग सो डिलीशियस यम्मी। They are serving two varieties of chutney with dabba dosa and some sambar. ये जो इतनी बढ़िया डिश दिख रही है, चलो अभी इसको ट्राई करते हैं। The dosa is so crisp and fresh. Both these chutneys are really awesome. They have a very different flavor. This is tamarind rice we are trying. It's too good, guys. Too good. This dish is called rice chitrannam. They have served two varieties of rice. One is curd rice. They have given some pickle and papad. यहाँ पर मैं जितनी भी देर खड़ी थी वहाँ fermentation की कोई smell नहीं थी। Everything here is very authentic. I just feel like I have come to a South Indian home while having these dishes. The coconut is so fresh. Superb, guys. Can you see, guys? This shop is actually on a street. Such hygienic measures, such homely taste. People are just coming in. यहाँ पर अब हम ट्राई करने जा रहे हैं चाइनीज भेल। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा भीड़ इसी स्टॉल पर है। This is our lip smacking Chinese bhel. It is so damn crispy. I think after college I have tried this for the first time again. Nothing can beat this taste. Hygiene aside, but this was a yummy dish. यहाँ पर हम सारे स्ट्रीट शॉप्स को एक्सप्लोर करेंगे। They have some vada pav stalls. I think there is Jumbo King also. Shawarma stalls, pizzas, pastas. इसमें इन्होंने ये वाइट और ग्रीन और रेड चटनी दिया है। द वड़ा इज ऑल्सो लुकिंग वेरी मॉइस्ट और उसका कवर भी बहुत पतला है। लेट्स ट्राई द टेस्ट। आई एम नॉट अ बिग वड़ा पाव फैन, बट स्टिल द
इसका टेस्ट काफी अच्छा है। अगली शॉप में मैंने देखा कि लोग यहाँ चाय भी पी रहे हैं एंड दे आर कमिंग फॉर दिस मिक्स ऑफ आई थिंक सम काइंड ऑफ भेल, इट इज ड्राई भेल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ऑल दीज थिंग्स आर लुकिंग सो यमी और यहाँ पे ये स्टॉल बिल्कुल ही फुल है। कंटिन्यू यहाँ पे हर शॉप में किचन चालू है। आई कैन सी सम नूडल्स सिजलिंग। लेट्स ऑर्डर समथिंग। हियर दे हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ मेन्यू। Just you will see the making of this live tandoor pasta. They are even maintaining the hygiene by wearing the gloves. यहाँ के हर स्ट्रीट फूड कॉर्नर को एक होमली फीलिंग है। यहाँ के हर शॉप की खासियत है कि हर शॉप यहाँ पे बिल्कुल होमली फूड बना रहा है। दैट्स व्हाई द क्राउड इज सो मच। पे इन्होंने ऐड किया है तंदूरी मसाला, सम सॉसेस, बहुत सारा चीज, फ्रेश धनिया और अब ये डालेंगे इसमें क्रीम, अमूल क्रीम, बहुत जनरस अमाउंट है। अब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। बड़े बड़े होटल्स में भी आपको इतना लिप स्मैकिंग पास्ता सॉस बिल्कुल नहीं मिल सकता। दे आर एडिंग एवरीथिंग सो जेनरसली। यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है पनीर सेजवान फ्रैंकी, जो यहाँ के ओनर है, इनसे हम आज थोड़ी बात। यहाँ पे हमारी फ्रैंकी मेकिंग चालू है, तब तक हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। हेलो दादा। हेलो। तुम्ही कधी चालू केलं हे जॉईंट इथे? आम्ही हे 6 ऑगस्ट 2022 2022 म्हणजे आता ऑलमोस्ट 1 वर्ष झालंय। हो, आता ऑलमोस्ट 1.5 वर्षाच्या आत। इथे खूप गर्दी आहे, मी कधी ठाण्यात एवढी गर्दी स्ट्रीट फूड साठी तर नाही बघितली। आणि आमच्याकडे कसं आहे, आम्ही क्वालिटीकडे जास्त लक्ष देतो, क्वालिटीमध्ये बिलकुल कॉम्प्रोमाइज नाही करत। ओके। फ्रँकीमध्ये पण तुम्ही बघाल तर बटरच वापरतो, बाकीच्या गोष्टी ऑइल वगैरे वापरत नाही आम्ही, बटरवरच आम्ही हे असतं ते। त्यानंतर आमच्याकडे पास्ता खूप चांगल्या प्रमाणात सेल आहे त्याचा। ओके। पास्ता भरपूर लोकांना आवडतो, पार्सल जातो, इथे येतात, एन्जॉय करतात। पिझ्झा देखील त्यांना बऱ्याच जणांना आवडतो इथे। ओके। अजून एक महत्त्वाचं सांगायचं, नॉनव्हेज सँडविच ह्या एरियामध्ये कुठेच मिळत नाही। ओके। आमच्याकडे पब्लिक बाहेरून येतं, ठाण्याच्या बाहेरून, म्हणजे डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, इकडे ह्या साईडला भांडूप किंवा ह्या साईडला मुलुंड, ह्या इकडचं पण पब्लिक आमच्याकडे ते आवडीने खाण्यासाठी इथे नॉनव्हेज सँडविच साठी येतात। कोणत्या वयोगटाचा क्राऊड तुमच्याकडे सगळ्यात जास्त येतो?
इथे माझ्याकडे 40 बिलो वाले जास्त येतात. ओके, कॉलेजेस आणि वर्किंग क्राऊड जास्त येतात. वर्किंग क्राऊड असो, कॉलेजचे स्टुडंट असे इथे बाजूला शाळा कॉलेजेस, शाळा तर नाही आहेत पण कॉलेजेस क्लासेस भरपूर आहेत. तर दुपारी सकाळी ते स्टुडंट असतात, त्याच्यानंतर वर्किंगवाले आजूबाजूला बँका आहेत, त्यांचा स्टाफ येतो आमच्याकडे जेवणासाठी वर किंवा पार्सल पण घेतात, फूड एन्जॉय करतात. त्यांचा फीडबॅक पण आम्हाला, मी आवर्जून प्रत्येकाकडनं फीडबॅक मागतो आणि खुश होतात ते, यातच आमचं आम्ही सक्सेस आहोत हे आम्हाला कळतं, समजतं. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू थँक्यू. या हमारी सेजवान फ्रांकी तयार हो रही है, पनीर सेजवान फ्रांकी. Thank you. Tandoor pasta. Can you see? अब हम दोनों भी डिशेस ट्राई करते हैं. मैं जैसा घर बनाती हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही पास्ता ही है. It is very tasty. कभी कभार आप जब सैटरडे संडे आपका खाना बनाने का मन ना करे तो ये प्लेस बहुत ही आइडियल है आपके लिए. यहाँ पे हमारा कॉर्न चीज पिज्जा बन रहा है. हियर दिस गाय इज फ्राइंग सम समोसा. किचन भी काफी बड़ा है. जस्ट इन वन ईयर दिस प्लेस इज हाइप्ड सो मच. बनने जा चुका है हमारा पिज्जा, चलिए वेट करते हैं इसकी. ये हमारा फ्रेशली बेक पिज्जा एकदम तैयार है. इसका प्राइस क्या भैया? इसका प्राइस है 150 रुपीस. इट्स सो डिलीशियस. लेट्स ट्राई आवर पिज्जा. Next, here we have come to a cream station. Here he is making hot waffles. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिक वॉफल्स. वाव, सो चॉकलेटी, यम. गर्मा गर्म चॉकलेट स्टिक वॉफल्स. दिस इज अगेन अ डार्क चॉकलेट सॉस ऑन इट. सम स्प्रिंकल्स. फिर हम आए हैं वराड़ी मिसल में. ऑथेंटिक गावरान मिसल हियर. यह है हमारी स्पेशल मिसल. यहाँ पर दिखने में तो बहुत ही फ्रेश लग रहा है ये. इन्होंने यहाँ पर अर्दन वेयर में ये सर्व किया है, उसके साथ एक पापड़ और जलेबी दिया है जो काफ़ी डिफरेंट है
बाकी मिसल प्लेस में जलेबी तो मैंने फर्स्ट ही टाइम देखी है मिसल। चलिए मिसल ट्राई करते हैं। इसमें ये मटकी का रस्सा है और परसन भी डाला है। मिसल सीम्स क्वाइट ओके और थोड़ी स्पाइसी भी बोलनी चाहिए थी मुझे। हाइजीन काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन लोगों ने और यहाँ पे काफ़ी क्राउड है जो एंजॉय कर रहा है इस मिसल को। ओवरऑल 4 out of 5। काफ़ी डिलिशियस है और पूरे टाइम मैंने पानी बिल्कुल थोड़ा पिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस जंक्शन हेयर। हेयर दे आर फेमस फॉर देयर स्लशीज, कोल्ड कॉफीज, फ्रापेज एंड लॉट्स ऑफ मोर। मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया काला खट्टा स्लशी। मुंबई का वेदर अभी काफ़ी हॉट है बिकॉज ऑफ द अक्टूबर हीट एंड दिस काला खट्टा वॉज हेवन टूडे। यम। आई ऑर्डर्ड फॉर अनदर राउंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। यह है पीच मोहितो। तो आप भी एक्सप्लोर कीजिए थाने की इस गली को जो होगा थाने का नेक्स्ट खाऊ गली का चेहरा। अगर आप जाना चाहते हैं ऐसे ही अमेजिंग फूड टूर्स पर जो एकदम ही अलग और अनोखे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 27 को।